नहीं पाते हैं, विनम्रता के साथ जाते हैं, सेवा करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, और तब जो है हमारा जीवन जो है सफल हो सके। नहीं तो जितने भी हमारे जैसे भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम है, ये सब प्रश्न उत्तर है। प्रश्न किए जिज्ञासु विद्यार्थियों ने, शिष्यों ने, और गुरु ने क्या दिया, उनका जवाब दिया। नहीं तो प्रश्न से शुरू होती है भगवद गीता भी, प्रश्न से शुरू होती है। क्या है अंतर, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युवा माम का पांडव किम कुरुवत संजय, क्या कर रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं मुझसे कि पांडव और जो दोनों सेना है युद्ध के मैदान में है कुरुक्षेत्र में, तो दोनों क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या से शुरू हो रहा है, व्हाट आर दे डूइंग। तो भगवद गीता जो है प्रश्न से आरंभ होती है, और उसमें पूरे भगवद गीता में अर्जुन तरह तरह के प्रश्न भगवान के समक्ष रखते हैं और भगवान उनका उत्तर देते हैं। तो हमेशा जो है हमें जिज्ञासु रहना चाहिए, जानने का इच्छुक रहना चाहिए, और जब समझ में आए तो हमें उन्हें पूछना चाहिए, ठीक है ना। तो आप सब बहुत ही जिज्ञासु भक्त हैं, और कुछ भक्त नए हैं आज, तो पहले उनको इंट्रोड्यूस कराएं। प्रभु जी में क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ राणा है। सौरभ राणा, हाँ जी। तारे तो दशु गया। कितने आपके फ्रेंड हैं? एमसी कर देंगे भी। और आपका नाम? राजेश कुमार। हैं? राजेश कुमार। राजेश कुमार। आप संजय। संजय। आप इनके साथ। अच्छा। तो और माताओं में तो सब कोई नया नहीं है, सब पुराने हैं। भैया तो सौरभ और राजेश 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 सौरभ और राजेश प्रभु जी का हम धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे हरे कृष्णा हम बोल के, और प्रार्थना करेंगे भगवान से कि भगवान हमें अपनी सेवा में लगाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे कि हम अभी इन क्लासेस के माध्यम से प्रयास कर रहे जानने का कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। नहीं हमें से बहुत से लोग जो है भ्रमित हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। कौन कौन भ्रमित हैं? सब क्लियर हैंडेड, सबको पता है, हैं? खूब कमाना, खूब अच्छा मकान बनाना, बड़ा घर बनाना, खूब पैसा कमाना, यही जीवन का लक्ष्य है। नहीं क्यों, क्या है जीवन का लक्ष्य? कृष्ण प्रेम प्राप्त। कृष्ण प्रेम प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। अगर हम कृष्ण का प्रेम इसी जीवन में प्राप्त कर पाए तो दैट विल बी द बिगेस्ट गेन। और पैसे कमाना, बड़ा घर बनाना, ये लक्ष्य नहीं है, कि नीड्स हैं। और ग्रीड किसकी होनी चाहिए? कृष्ण प्रेम की। कृष्ण प्रेम की ग्रीड होनी चाहिए, लालच, लालसा। और ये तो बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये तो मिलने मिलने हैं। दुख के पीछे भागता है कोई? देखा है कोई कहता है, प्रार्थना करता है भगवान से, मुझे दुख दो, मुझे दुख दो, आने दो, फिर क्यों आते हैं? क्यों आते हैं? हमारे कर्मों के फलों के कारण। तो इसी तरह से कर्मों के फलों के कारण सुख भी आएंगे, उनके पीछे भागना व्यर्थ है। उनके पीछे जो भागता है वो मूर्ख है, क्योंकि जब दुख बिना कारण के आ रहे हैं, बिना चाहे आ रहे हैं, बिना इच्छाओं के आ रहे हैं, तो सुख भी आएंगे। इसमें क्या, एक बच्चा जो है ये चूज नहीं कर सकता कि मुझे ये पेरेंट्स चाहिए, मुझे बिरला के पैदा होना है, माली के पैदा होना है। प्रकृति के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि वहीं वो पैदा होता है। एक बच्चा झोपड़ी में पैदा हो रहा है, एक जोड़ा में पैदा हो रहा है, बच्चा थोड़ी चूज कर रहा है। तो ये जो है कर्मों के फलस्वरूप हमें प्राप्त होना ही होना। किसी किसी के पिताजी जो है बहुत सारी धन दौलत छोड़ ले जाते हैं, किसी किसी के पिताजी जो है कर्जे छोड़ ले जाते हैं। नहीं होता है ना कि संसार में हर तरह की ड्वेलिटीज मिलेंगी, द्वंद्व मिलेंगे। ड्वेलिटीज का मतलब द्वंद्व, यानी कि द
गर्मी सर्दी दिन रात सुख दुख पैसा छोटा कर्जा ऐसे। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो है जो समझता है कि वास्तव में जो है जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जो जीव का जो कर्म है वो है जिज्ञासा करे तत्व भगवान के बारे में जिज्ञासा करे, बाकी तो नेचर उसे और प्रकृति के गुणों के अधीन होके वो जहां उसे पहुंचना पहुंच ही जाएगा, ठीक है ना। और भक्ति का क्या अर्थ है कि इन इंद्रियों के द्वारा हम भगवान की सेवा करें, इन इंद्रियों को जिनको हमने अपनी सेवा में लगाया हुआ है उन्हें कहाँ लगाना है, भगवान की सेवा। सुबह उठे सोलह माला का जप करें, ठीक है, जो नहीं करते अभ्यास करें। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है, कितना अच्छा मौसम है, सुबह और शाम कितने प्लेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत ही प्लेजेंट है। एसी की जरूरत नहीं है, कूलर की जरूरत नहीं है, पंखे की जरूरत नहीं है, सुबह शाम बहुत ही प्लेजेंट है। ये महीना भगवान को बहुत प्रिय है, यशोदा ने खूब तपस्या की, राधा जी ने खूब तपस्या की, इसको ऊर्जा मास भी कहते हैं। ऊर्जा मास इसलिए कि अधिक से अधिक जो है ऊर्जा में कहाँ लगानी है, भगवान को प्राप्त करने के लिए। इसी महीने में कार्तिक में जो है वृंदावन धाम की भी यात्रा करेंगे, अभी सब भक्त उत्साहित है जाने के लिए, धीमी आवाज आई। तो इस कहने का अर्थ यह है कि कार्तिक के महीने में हम बहुत अच्छे से अपना जो है जो साधना भक्ति है उसकी प्रैक्टिस करें और खूब जो है भगवद गीता पढ़ें, रूपा की जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करें और उपवास भी ले सकते हैं, कुछ नियम कुछ संकल्प कर सकते हैं और अपना जप जो है ध्यान पूर्वक करें। जो भी जप करें सूर्य महाराज का वो करें ध्यान पूर्वक। ध्यान पूर्वक जप का मतलब है चैंट एंड हियर, ध्यान पूर्वक जप का मतलब ये नहीं है कि मैं ध्यान लगाऊंगा राधा और कृष्ण की जैसे लीलाओं में, नहीं, आपको ध्यान लगाना है जो साउंड वाइब्रेशन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, उसी को सुनो, जो आवाज आ रही है उसी को, ये ध्यान लगाना होता है। ध्यान लगाना ये नहीं है कि वृंदावन में किसी मंदिर में जाके ध्यान लगा दिया, पंजाबी बाग में जो राधा रानी के चरणों में ध्यान लगा दिया, ठीक है वो अच्छी बात है, वो ऐसे लगेगा नहीं, क्योंकि वो आप जाओगे वृंदावन लेकिन उससे पहले नोएडा पड़ेगा, आप नोएडा में घूम जाओगे और बहुत सी जगह घूम सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, चैंट एंड हियर, बस ये ध्यान लगाना, ध्यान लगाने का मतलब और नहीं है, चैंट एंड हियर। प्रभुपाद ने जगह जगह चैंट एंड हियर, अटेंटिव चैंटिंग मीन्स चैंट एंड हियर, ध्यान पूर्वक जप का मतलब है अटेंटिव चैंटिंग और अटेंटिव चैंटिंग का मतलब है क्या, चैंट एंड हियर, जो भी आप बोल रहे हैं मंत्र उसको क्या है सुनना है। बहुत से लोगों ने देखे हैं बस वो क्या करते हैं माला ली हाथ में टीवी देख, आवाज नहीं आती, मैं ये बोल के करो तुरंत बोल रहा हूँ, बोल के बोलना लिप्स पे नहीं बोल रहे हैं, सुनना है उसे, किसकी शिष्य नहीं करना है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे करना है। फिर तो क्या होगा कि 20-25 मिनट में हो जाएगी सोलह माला, हो जाएगी, किसका है एक्सपीरियंस, तो हमें क्या एक एक शब्द को बहुत ही ध्यान से बोलना है, साफ बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पीड आपको उतनी बढ़ानी है जितनी कि आप क्लियरली बोल सको और उसे सुन सको, ये नहीं कि स्पीड बढ़ा दी और ना बोला जा रहा है ना सुना जा रहा है, फिर तभी होता है कि प्रभु जी इतने दिन हो गए माला करते हुए कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो होगा तभी जब हम साफ बोलेंगे
और साफ साफ उसे सुनेंगे, है ना। तो तब हमें पूरा बेनिफिट इस दवाई का मिला है। ये महामंत्र जो है ये दवाई है, ये मेडिसिन है। किसकी मेडिसिन है? जो हमें भाव रोग हो चुका है, हमें भाव रोग के बीमार की बीमारी लग चुकी है। भाव रोग का मतलब पता है किसी को? किसी चक्र में भाव रोग, यहीं बने रहो, किसी संसार में बने रहो, है ना। फिर तथास्तु, बस बच्चा यहीं बना रहे, यहीं बना रहे, मतलब जीता रहे मरता रहे, जीता रहे मरता रहे, मरता रहे पैदा होता रहे, जीता रहे मरता रहे। जी कौन चाहेगा बताओ? बार बार जन्म ले, बार बार जो उसे शरीर मिले, बार बार उसमें बीमारियां लगे, बार बार फिर बुढ़ापा आए, और बार बार जो है तरह तरह की पीड़ाएं हो, है ना। आदि भौतिक कलेश होते गुजरे, आदि देवी कलेश होते गुजरे, आध्यात्मिक कलेश हो, है ना। किसी के बच्चे न लाए, किसी के पति न लाए, किसी के पति न लाए, किसी के सास न लाए, किसी के बहू न लाए, ये सब चक्कर चलता है संसार में। तो कोई व्यक्ति है जो जाएगा यार इससे छूट पीछे छूटने का जो है इस रोग से मुक्ति पाऊंगा। बीमारी होती है तो क्या कहते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं ना, दवाई भी लेते हैं, परहेज भी करते हैं। तो ऐसे ही वो बहुत सी बीमारियों की वो है, लेकिन हमें जो आध्यात्मिक जो वो है, जो दवाई है, वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो कार्तिक के महीने में और भी पावरफुल रहता है ये, अगर हम इसको ध्यानपूर्वक करेंगे तो एक माला का लाभ जो है कितना है, 1000 माला के बराबर, इतनी सेल है, भारी सेल है कार्तिक के महीने। तो इसका पूरा पूरा बेनिफिट हमें जो उठाना चाहिए, ठीक है। सब उठाने की तैयार है, और मोबाइल नेट और ये सब जो है कहाँ बंद है कार्तिक के महीने, तो कम से कम बंद। वैसे तो भक्तों के घर में जब टीवी खराब होता है ना, वो बहुत सुकून मिलता है, तो ठीक है, एक पीछा लेता है, ठीक नहीं कराना चाहिए। एक बार खराब हो गया बस, उसके कपड़ा टांग देना चाहिए और लैमिनेशन लगाना चाहिए उसके ऊपर, और बाकी बड़ी सी लैमिनेशन लगा के उसको लगानी है हमें LCD की, बड़ी वाली लगेगी, क्योंकि जो कलयुग में जो सबसे बड़ा असत्संग है वो यही है, टीवी देखना जो असत्संग है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, असत्संग छोड़ना है वैष्णव का आचरण ही है कि वो असत्संग छोड़े, चाहे वो टीवी के माध्यम से मिल रहा हो, या लोगों के माध्यम से मिल रहा हो, या किसी दोस्तों के माध्यम से मिल रहा हो, है ना। तो घर में नहीं, घर में मतलब पति है भक्त है, पत्नी भक्ति है, तो मैं तो छोड़ रहूँगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बाहर की बात कर रहा हूँ, घर में तो आपको कोशिश करनी है कि बाकी सब लोग भी भक्त बने, ज़्यादा प्रयास नहीं करते, थोड़ा थोड़ा, और वो वास्तव में भाग्यशाली हैं जहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं भक्ति में लगे हुए हैं। अमित प्रभु जी, रिंकू माता जी, अपने प्रवीण प्रभु जी, विश्व माता जी, कृष्ण प्रकाश प्रभु जी, मीरा माता जी, और योगेश माता जी, और मोहम्मद प्रभु जी, और कौन कपल हैं, और प्रभु जी गायब है ना, माला हुई थी नहीं, माता जी तो बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि तो सब बच्चे ही पक्षे हैं, इज मोस्ट फॉर्चुनेट, सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो भक्ति करने का अर्थ है, भागवतम में वर्णन आता है तीसरे स्तर के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में, कि अगर कोई कुत्ते का मांस खाने वाला भी है तो चांडाल कहते हैं, चांडाल को कहते हैं जो ऐसे व्यक्ति जो कुत्ते का मांस खाते हैं, उन्हें चांडाल कहा गया। तो जो अगर कोई चांडाल भी हरि नाम ले रहा है तो वो जो है पूजनीय है। अगर कोई चांडाल कुल में पैदा हुआ है और वो हरि नाम कर रहा है तो वो वंदनीय है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है वो पूर्व जन्मों में समस्त तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुका है, समस्त वेदों का पाठ कर चुका है, समस्त तरह की तपस्याएं कर चुका है, समस्त तरह के दान यज्ञ सब कुछ कर चुका है,
सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं भागवतम कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहा है, हरि नाम ले रहा है, ये मत समझना कि हम जो है बस अभी शुरू हुए, नहीं, हम जो है पूर्व जन्मों में समस्त पवित्र तीर्थ नदियों में तीर्थ स्थानों में नदियों में जाके स्नान कर चुके हैं, समस्त तरह के वेद पाठ कर चुके हैं हम, बेशक अभी हमें श्लोक याद ना हो रहे हो, दिक्कत आ रही हो, लेकिन हम सब कर चुके हैं, समस्त तरह की तपस्याएं, यज्ञ दान सब कुछ कर चुके हैं। जब सब ये सब चीजें कर चुका है व्यक्ति, उसके बाद वो एलिजिबल होता है हरिनाम लेने के लिए। कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम जो है हरिनाम कर रहे हैं, तो ये हरिनाम करना, ये सुनना, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो जिनके बच्चे, तीन तीन बच्चे जो है हरिनाम कर रहे हैं, और वो खुद भी कर रहे हैं, पिताजी भी कर रहे हैं, चैतन्य बाबू तो कहते हैं कि एक बार भी कोई अगर हरे कृष्ण बोल देता है तो वो पूजनीय है। हरे कृष्ण बोल दिया, हरे कृष्ण आपको देखते ही, इसलिए जो वैष्णव तिलक लगा के बाहर जाते हैं तो कई बार जाकर पंडित जी हरे कृष्ण ऐसे बोल देते हैं, तो बस आपके का काम हो गया, आपने प्रचार कर दिया, उसने आपको देख के हरे कृष्ण बोल दिया, भगवान का स्मरण आ गया, उसे कृष्ण का स्मरण आने से ही जो है उसको सुकृतियां मिल गई। अगर कोई कृष्ण का सुमिरण कर ले, स्मरण कर ले, तो आपका जो है काम हो गया, आप एक प्रचारक हैं, है ना, हम सब जो है जीते जागते क्या है, प्रचारक। भक्तिदास महाराज कहते थे कि जो भी व्यक्ति जीवित है वो प्रचार करता है, केवल जो जीवित नहीं है वो प्रचार नहीं करता, जो भी जीवित है ना। तो कभी भी हमें ये सिर्फ सोचना चाहिए कि मैं कैसे प्रचार करूँगा, आपके तिलक को देख के ही कृष्ण का स्मरण आ सकता है किसी भी को। तो अगर किसी को कृष्ण का स्मरण आ जाए आपको देखने मात्र से, तो उसका भी जीवन सफल है और आपका भी जीवन। तो भक्ति जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बलशाली है। एक दिन ने बताया था कि भक्ति में क्या क्या विशेषताएँ हैं, भक्ति है क्लेशाग्नि, रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति धाम सूत्र में कि समस्त प्रकार के कलेशों को खत्म करने वाली है ना, भक्ति क्लेशाग्नि है। और क्या होता था, सुदुर्लभा, बहुत ही दुर्लभ है, और सुदुर्लभा रेयरली मिलती है। कैसे रेयरली मिलती है, हमें तो आसानी से मिल गई बैठे बैठाए घर पे, फिर कैसे समझे कि बहुत दुर्लभ मिलती है। पूर्व जन्म के कर्मों से और भक्ति, भगवान जो है भक्त किसी व्यक्ति को सब कुछ दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, दौलत दे सकते हैं, गाड़ियां बंगला सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन भक्ति जो है बहुत ही मुश्किल से देते हैं। क्यों, क्योंकि भगवान जो है ऐसे व्यक्ति के क्या, अगर भक्ति दे देंगे तो क्रीत क्रीत दास कहलाते हैं, भगवान का नाम है क्रीत दास, वो भक्तों का मतलब खरीदे गुलाम बन जाते हैं, फिर भगवान को वही करना पड़ता है जो भक्त चाहते हैं। जैसे द्रौपदी ने बुलाया तो आए, जो भी बुलाता है भक्त बुलाता है, प्रहलाद महाराज कह रहे थे यहाँ 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 यहाँ, सब जगह भगवान को उपस्थित रहना पड़ता था, क्रीत दास बन गए, खरीदे हुए गुलाम। अर्जुन का रथ मांग रहे हैं, बताओ कोई कहे किसी को प्रोविजनल ड्राइवर बन जाओ, तो बनना पसंद करेगा ड्राइवर नहीं, सब क्या मालिक बनना चाहेंगे। लेकिन भगवान है जो प्रेम के वशीभूत क्या करते हैं, ड्राइविंग भी करते हैं। तो इसलिए भक्ति को कहा सुदुर्लभा, बहुत रेयरली मिलती है, किसी जीव का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है जिसे भक्ति मिली। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई कोई ऐसा रेयर व्यक्ति है जिसे क्या मिलता है, गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता बीज मिल गया। भक्ति लता बीज का मतलब है कि भक्ति के लिए जो निर्देश थे वो मिल गए, है ना। बीज आपका वही प्रभु जी, मुझे तो बीज मिला नहीं, कब दिया आपने, कब बांटा था, कह सकते ना कहाँ जी मुझे तो मिला बीज, कहाँ बीज का मतलब, भक्ति का बीज का मतलब है कि जो भक्ति के जो निर्देश है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो हमें मिल गया। क्या इंस्ट्रक्शन है,
कि नियमित रूप से 16 माला का जप करना है, चार नियमों का पालन करना है, शास्त्रों का अध्ययन करने का प्रयास करना है, एक घंटा कम से कम रीडिंग करनी है और एकादशी पे जो है व्रत रखना है और एकादशी व्रत का पालन करना है, एकादशी पे 25 माला करना है। ये क्या है? ये है भक्तिलता बीज। अब अगर कोई इनको ले जाके बीज को ऐसी कटोरी में रख देगा, है ना, तो छोड़ दिए तो जम जाएंगे ये। कब जमेंगे ये? इनको हृदय में बोना है, हृदय में आरोपित करना है इन्हें अंदर। और हृदय कैसा होना चाहिए? पत्थर। अगर मान लो बीज मिल गया किसी को, हाँ, फसल के बीज मिल गए और उसने खेत की ना गुड़ाई की ना सिंचाई की और ऐसे ही बंजर था, उसमें पत्थर था, खेत था, उसमें डाके डाल दिया, रोजी तो होगी नहीं रहे, पौधे नहीं बन रहे बीज। तो जो हमें जो बीज मिला है उसको हमें कहाँ बोना है? और हृदय की सॉइल कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल सॉफ्ट, हार्ड नहीं होनी चाहिए। सॉफ्ट कैसे होगी? चैंटिंग और हियरिंग से, श्रवण और कीर्तन से। जब हम श्रवण और कीर्तन करेंगे तो हृदय की जो अभी जो हार्ड लग गया सर से, जिसमें कुछ घुसने को तैयार नहीं है और जिसमें क्या है, केवल और केवल फॉल्स ईगो है, हमारा झूठा अहंकार बैठा हुआ है और अनर्था है। अनर्था मतलब, अर्थ का मतलब क्या होता है? वैल्यू। अनर्थ का मतलब है जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मद की, मत्सर्य की कोई वैल्यू है? कोई कहता है प्रभु जी आप बहुत अच्छा पैसा करते हो, प्लीज मुझे दे दो अपना पैसा। देखा कुछ सुना है? कहता है तो ये आप तो कमाल है, गुस्सा करते मुझे दे दो ना, मेरे दिल पर हाथ रख दो, ऐसे कहता है कोई? नहीं कहता, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, क्रोध की तो वैल्यू नहीं। इसी तरह काम की इच्छाओं की, भौतिक इच्छाओं की, जब तक इच्छाएं रहती हैं तब तक खाली पागल भी रहता है, उसकी शक्ल भी बजी हो जाती है। आप लोग लोभी, मैं भी आपकी तरह लोभी, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे लोभी हो, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, कोई कहता है ऐसा? नहीं करता। ये इसका अनर्था, इसलिए इनको अनर्था कहा गया है। अनर्थ मतलब इसका कोई वैल्यू ना हो, जिसको कोई चाहता ना हो लेकिन फिर भी है, हमारे बिना चाहे हैं, हमसे पहले आ गए, क्यों आए? बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो, हमारी जो झूठा अहंकार है हमारे अंदर। और अहंकार क्या है? कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये है फॉल्स ईगो। जबकि वास्तव में हम कौन है? आत्मा है। भगवान गीता में उपदेश देते हैं कि हम सब क्या है? आत्मा है। गीता में तो भगवान बताते हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये सब जो है क्या है? मेरे अंश, जितने भी जीवात्माएं हैं ये सब मेरे अंश हैं, है ना। तो हम सब भगवान के अंश हैं, तो भगवान में जो क्वालिटीज है वही जो गुण है हमारे भी अंदर होने चाहिए, है ना। लेकिन झूठे अहंकार के कारण, फॉल्स ईगो के कारण वो सारे गुण जो है पूरी तरह से सुप्त अवस्था में, उनको जागृत करना है। जो गुण भगवान में है वही गुण हमारे अंदर भी है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हृदय में कठोरता इतनी है, हृदय सॉफ्ट नहीं है, हृदय की टीलिंग करनी है, खुदाई गुड़ाई करनी है, है ना। और वो कैसे होती है? भक्तों के साथ में रह के। अगर कोई ये चाहे कि मैं भक्तों से अलग रह के अपने हृदय को सॉफ्ट कर दूंगा तो दैट इज नॉट पॉसिबल। भक्तों के संग में रहेंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे के कांटे चुभेंगे, है ना, परेशानियां होंगी। प्रभु जी ये भक्त तो बिल्कुल भी असहनीय है, मैं नहीं टॉलरेट कर सकता है, उनको पता ही नहीं है कैसे बोलते हैं, उनको वैष्णव सदा नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, दुनिया भर की चीजें चुभते हैं कांटे। लेकिन अगर हमें विनम्रता सीखनी है, हृदय में सॉफ्टनेस लानी है, तो भक्तों के संग में रह के ही भक्त करना है। हो सकता है कि एक दूसरे कांटे चुभे, लेकिन उसको क्या करना है? बर्दाश्त करना है। और की पॉइंट का एग्जाम्पल दिया था पहले, कभी याद है? जी जी, क्या था? गर्मी में, गर्मी में, सर्दी में, सर्दी में, सर्दी में, सर्दी में, सर्दी में पॉर्क्यूपाइन होता है, चूहट टाइप होता है, जानवर होता है, तो उसमें कांटे होते हैं बड़े बड़े, तो वो ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो सर्दी जब होती है
तो इतनी सर्दी पड़ती है कि अगर वो अकेला रहे तो वो मर जाता है, लेकिन जब वो झुंड में रहते हैं, ग्रुप में बना के रहते हैं, तो वो बच जाते हैं सर्दी से। लेकिन जब वो झुंड में रहते हैं, पास आते हैं, तो एक दूसरे के कांटे एक दूसरे को चुभते हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सर्दी से बचने की, कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको एक साथ ही रहना है, बेशक कांटे चुभे, दर्द हो, वो सहना है, सर्दी से अगर बचना है तो सहना पड़ेगा। तो इसी तरह से कहा जाता है कि भक्तों को अगर अपने हृदय को कोमल करना है, विनम्रता सीखनी है, तो भक्तों के संग में रह के ही आएगी वो, अलग रह के नहीं आएगी। अलग तो हम सब बहुत ही विनम्र हैं, अलग रह, लेकिन जब साथ में रहते हैं तो क्या होता है, फिर दोष दर्शन ये सब चलते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग होता है ना, ये भाई ये भक्त मेरे से अच्छा क्यों कर रहा है, मन मन में सोचते हैं इसका फॉल्ट होने तो अच्छा है, फिर लोग कहेंगे देखो मैं अच्छा होता, ये तो वैसे ही था, थोड़ी टेम्परेरी था। राधाना स्वामी महाराज बताते हैं कि कई बार भक्ति में जब कोई भक्त आगे बढ़ता है तो दूसरे भक्त प्रार्थना करते हैं भगवान भगवान से थोड़ा नीचे डर मेरे से नीचे दिया, क्यों, क्योंकि अहंकार है, उन्हें लगता है मेरी वैल्यू कम होगी, ये भगवान के पास नहीं, ये बहुत ही संसार की तरह नहीं है, एक ही पोस्ट है बस, और इस संसार में क्या है, कॉम्पिटिशन ही कॉम्पिटिशन है, कॉपरेशन नहीं है। क्यों है कॉम्पिटिशन, क्योंकि एक पोस्ट है और लेने वाले हजार हैं, तो एक दूसरे की टांग खींचने में लग जाते हैं। लेकिन भगवान जो है अनलिमिटेड है, जीव भी अनलिमिटेड है, सबके लिए काम है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, भगवान अनलिमिटेड है, भगवान के असंख्य अवतार हैं, है ना, अद्वैतम अच्युतम अनंत रूपम, अनंत रूप, तो इसीलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर निखिल प्रभु जी जो है बहुत अच्छे से तरीके कर रहे हैं, भगवान को जल्दी प्राप्त करनी है, तो हमें जो है ना इनके पीछे पीछे रहना चाहिए, ये नहीं कि टांग पकड़ खींच रहे, नहीं पहले मैं जाऊँगा ये तो बात नहीं, ये बहुत ही संसार के लक्षण है, आध्यात्मिक संसार के, आध्यात्मिक संसार में क्या होता है कि एक दूसरे को मदद करते हैं, जैसे राधा रानी थी, राधा रानी कृष्ण को सर्वप्रिय थी, ठीक है ना, सब सर्वश्रेष्ठ भक्त भी थी, तो जितनी भी गोपियाँ थी, जितनी भी अष्टमजरियाँ गोपियाँ और जो क्लोज फ्रेंड थी सखियाँ थी, वो सब राधा रानी को असिस्ट करती थी, कभी ये नहीं होता था कि नहीं राधा रानी को पीछे छोड़ो हम आगे हो जाए, वो असिस्ट करते, तो इसीलिए हमें क्या बोलना, दास दास दासानु दास, जो भक्त ऑलरेडी भगवान की सेवा बड़े हैं, हमें ये प्रयास करना है कि हम उनको असिस्ट करें, इसलिए गुरु को असिस्ट किया जाता है। आपने जिन्होंने अभी किया होगा कोर्स किया था डिसाइपल को, उसमें बताया होगा कि भक्त का क्या कार्य है, जो गुरु को असिस्ट करे, कितना नंबर है क्या था, जो उनकी तरह में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अपना इमिटेट नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना, और दास दास दासानुदास, जो गुरु के भी जो और शिष्य हैं, वरिष्ठ शिष्य हैं, उनके जो शिष्य हैं उनकी है, ऐसे नहीं है कि इनको, जैसे होता है ना बौद्धिक संसार में कि चार पांच किसी ने किसी मंत्री से मिलवाया है ना, जैसे माधव अमित प्रभु जी बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, प्रवीण बोल देगा मेरा काम है मुझे जरा उनसे मिलवा दो, ये ले गए भाई बंधु में, थोड़े दिन बाद क्या हो गया कि पता चला अमित प्रभु जी को बाहर पत्ता साफ हो गया, वहाँ तो प्रवीण प्रभु जी बैठे हैं मंत्री जी के साथ, होता है ना, होता है बहुत होता है ऐसे, क्योंकि ये रोज आने लगे, रोज कितने दूसरों की चुगली करने लगे, उनकी भी चुगली कर दी, अरे क्या प्रभु जी तो ऐसे कर रहे हैं आपको गालियां दे रहे हैं, बस मंत्री उनको क्या कान के कच्चे होते ही हैं, हाँ ये रोज आता है रोज हाजिर लगाता है, यही सही कह रहा है अभी तुझे होंगे ऐसे, मिलवाया था अमित प्रभु जी ने अभी तुझे साफ करता साफ कर, ये बहुत प्रकार की नेचर है। लेकिन आध्यात्मिक में क्या होता है कि अगर ये पहले से सर्विस करें तो प्रभु जी उनको असिस्ट करें, अगर हम इसको देख सकते हैं, अगर हम भागने का प्रयास कर रहे हैं आगे निकलने का उनसे भी, तो मतलब भौतिकतावादी मानसिकता के हम जी रहे हैं, अच्छी नहीं है भक्ति के लिए, मानसिकता अच्छी नहीं है, नेम और फेम के लिए भक्ति नहीं करनी, नेम और फेम के लिए भक्ति नहीं करनी है, नेम और फेम क्या है, जब आपने भक्ति का बीज बोओगे तो उसमें से पौधा निकलेगा, पौधा निकलेगा तो फसल के साथ क्या होते हैं, क्या होते हैं, खरपतवार, और कई बार खरपतवार इतने बढ़ जाते हैं वो खरपतवार क्या और फसल के लिए अनुकूल होते हैं प्रतिकूल, उसको खत्म करते हैं,
तो भक्ति के साथ साथ जो भक्ति लता बीज है जब वो उगेगा तो भक्ति लता उससे पैदा होगी, उससे वो लता जो है निकलेगी, और उस लता के साथ साथ जो है बहुत सारे खरपतवार भी खरपतवार। तो अगर आपने वो बीज की कटाई नहीं की, छटाई नहीं की, तो क्या होगा, आपकी जो भक्ति लता है वो क्या है, सूख जाएगी। अगर खरपतवार नहीं काटे, ये चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षाएं दी है कि अगर हमने खरपतवार नहीं काटे तो क्या होगा कि जो भक्ति लता है, मेन जो भक्ति लता है उसको पूरी खुराक नहीं मिलेगी, और खुराक किसको मिलेगी, जो साइड में खरपतवार उगे हुए हैं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये खरपतवार हैं। जब हम भक्ति में आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो हमें बहुत सम्मान मिलता है, पूजा करते हैं लोग, प्रतिष्ठा मिलती है, और इसको हमें समझ लिया, अरे वाह क्या बात है, इतनी बढ़िया भक्ति चल रही है, इतने लोग जो प्रणाम कर रहे हैं, तो समझ लो कि बेटा भक्ति लता गई था। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु द्वारा दी गई ये भक्ति का जो ज्ञान है, ये सर्वोत्तम ज्ञान है, कहीं नहीं दिया हुआ किसी ने ऐसा इतने बारीकी से, कैसे हमें भक्ति लता को बचाना है, कैसे शुद्ध भक्ति के स्तर पे आना है। हर जगह क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, आप भक्त बनो, धर्म कार्य में लगो ताकि आपको पैसे की प्राप्ति हो, ताकि आपकी इंद्रिय तृप्ति हो, ठीक है, ये है बाकी जगह। लेकिन शुद्ध भक्ति का ज्ञान क्या है, आपको अनअलॉयड सर्विस करनी है भगवान की, अनअलॉयड मतलब किसी तरह की मिलावट नहीं, प्योर स्टेनलेस स्टील, नो इम्प्योरिटी, कोई मिलावट नहीं। तो उसमें ज्ञान की, कर्म की, किसी चीज की कोई मिलावट नहीं, पूजा लाभ प्रतिष्ठा की कोई मिलावट नहीं। तभी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तीसरा जो स्टैंड है आपके इसका शिक्षाश्रम का, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश कामयो मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति आयु की। न मुझे धन चाहिए, न जन लोग चाहिए, अनुयायी चाहिए, ना धनम न जन्म न सुंदरी, न मुझे औरतें चाहिए, क्या चाहिए मुझे, और ना मुझे सालंकार कविता की मुझे बहुत नेम फेम मिले, कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति आयु की, मोर पे आहेतु की कृपा बने रहे जिससे मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं, यही बस मुझे चाहिए। तो भक्त जो है चाहे स्वर्ग में रहे या नरक में रहे, वो क्या चाहता है कि बस मुझे जो है भगवान की भक्ति का अवसर प्राप्त हो जाए। जैसे यमराज है ना, यमराज जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, 12 महाजनों में से एक जो है यमराज है। लेकिन सेवा क्या है उनकी, किसको दंड देना, हम जैसे पापी बंध जी को, हम जैसे तो नहीं, हम तो बात है, हमारे पास तो आएंगे भी नहीं, अजामिल भी उसका कहना नहीं होते, जब अजामिल के प्राण निकल रहे थे उसने नारायण नारायण पुकारा तो विष्णु दूत आ गए थे और यमदूत पहले से थे, तो यमदूतों को जाना पड़ा। तो फिर बाद में उन्होंने कहा यमदूत से, यमराज के पास जाके यमदूतों ने कि हम तो सोचते थे आप ही कंट्रोलर हैं सबसे बड़े, लेकिन वहाँ तो जो है आपसे बड़े कंट्रोलर हैं, कोई वो आ गए, उनके दूत आ गए। तो यमराज ने कहा कि जिसके गले में कंठी हो, जिसके मुख में हरि नाम हो और जिसके मस्तक पे तिलक हो, उसके पास कभी बन जाए, वहाँ कुछ नहीं कर सकता। तो भक्त जब भक्ति करता है तो काल के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, ठीक है। तो एक तो था कलेशाग्नि, सभी कलेशों को खत्म करने वाली है, दूसरा क्या सुदुर्लभा, बहुत ही दुर्लभता से मिलती है, और शुभदा तीसरा है, शुभदा उस दिन शायद रह गया था, शुभदा शुभदा मतलब ऑल ऑस्पिशियसनेस, सब कुछ अच्छा करने वाली है ना, बड़ी ऑस्पिशियस चीज है ये, बहुत शुभकारी है। तो भक्ति जो है बहुत ही शुभकारी है, शुभ देने वाली है, शुभ प्रदान करने वाली है, ना केवल अपने आप को बल्कि उस पूरे परिवार को, उस पूरे वातावरण को, जहाँ जहाँ भक्त घूमेगा, जहाँ जहाँ भी जाएगा वो, सब में कल्याण करने वाली है, सब पे नहीं,
जहाँ पे भक्ति होती है जिस घर में, उसमें कुछ भी जो है कृष्ण की मर्जी से होता है सब कुछ, काल के प्रभाव से नहीं होता, माया के प्रभाव से नहीं होता। ये शास्त्र कहते हैं मेरे, वहां पे माया देवी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया द्रत्या मामे वे प्रदर्शनते माया मेदाम करंती थे। भगवत गीता भगवान श्याम कौन मनपुर में कहते हैं कि ये जो माया है ये मेरी ही शक्ति है और इसको पार पाना बड़ा ही कठिन है, इससे नहीं बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरणागत है यानी जो भक्त हैं, माया वेताम तरंदिते, वो इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, यानी कि माया उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। वरना माया का क्या काम है पता है आपको? बीटिंग एंड हैमरिंग, तपाना और पीटना। कंबल डाल के पिटाई करते हैं, सुनाई है? कंबल डाल के पिटाई, कंबल डाल दिया ऊपर और फिर पीटते हैं, पता नहीं चलता कौन पीट रहा है कौन नहीं। तो माया ऐसे करती है, कंबल डालती है किसका? अज्ञानता का। अज्ञानता का कंबल डाल दिया, सब पर डला हुआ है। अब हो तो ये पिटाई, अब उसे लगा आहा मजा आ रहा है, कभी इधर से थप्पड़ लगा, कभी उधर से थप्पड़ लगा, पता नहीं चल रहा है ना। ठीक है, किसी से पूछो आप, प्रभु जी हाउ आर यू, प्रभु जी आई एम फाइन, वो ये कहेगा आई एम फाइन। चाहे घर में लड़ाई होकर आए हो लेकिन ऑफिस में जाते कोई हल नहीं, फाइन फाइन फाइन, नहीं पता नहीं चल रहा, थप्पड़ लग रहे हैं, तो वो कंबल वाली पिटाई चलती है माया की। इसीलिए हीटिंग एंड हैमरिंग, तपाती है वो किससे? तीन तापों से, और फिर पिटाई करती है, और ये सबके साथ होता है। लेकिन जब भक्ति में आते हैं तो हमें इस चीज़ का पता लग जाता है, अरे ये तो माया है, ये माया की पिटाई है, कोई बात नहीं, मैं और दृढ़ता से भगवान की जो है ना शरण लेता हूँ। जैसे ही लगे आपको कि काम जो है बन नहीं रहे, बिगड़ रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, माला को और जोर जोर से करो, है ना, कृष्ण को मजबूर होकर आने पड़ेगा भाई, सही इससे पहले से देखो मानो ये आदमी बहुत बेचैन है ना। भगवान हमारी सिंसियरिटी को समझते हैं, हमें लगे ना लगे लेकिन हमारे हृदय में जो बैठे हैं ना वो जानते हैं कि कितना तड़प रहा है मेरे लिए, नहीं उसका इंटेंट क्या है, उसके अंदर के भाव क्या चल रहे हैं, बाहरी रूप से नहीं, है ना। तिलक तो लगा लिया लेकिन हर एक इस महामंत्र में जब कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहीं और ही है। एक व्यक्ति ने तिलक नहीं लगाया हुआ लेकिन जब वो जब कर रहा है तो उसका ध्यान जो है पूरी तरह से भगवान पे, तो भगवान उसकी सुनेंगे, पहले उसकी भी सुनेंगे, नाम ले रहा है वो भी कच्चा पक्का, लेकिन पहले किसी सुनेंगे तो बहुत तीव्रता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ, बहुत तड़प के साथ दे रहा है। जितनी ज़्यादा हम भगवान के ट्राई करेंगे, तड़पेंगे, उतनी ज़्यादा भक्ति में बांध, देखना आप कभी करके देखना। कार्तिक के महीने में खूब अच्छे से माला करो, वो रो भगवान के, गिड़गिड़ाओ भगवान के, रोना जो है, ये जो छह गोस्वामी थे ये रात रात भर रोते थे। एक चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे कोला वेचा श्रीधर नवदीप में, वो क्या करते थे कि उनका ना केले के पेड़ थे, केले का, केले के वो थे दुकान लगाते, केले के पत्ते, केले के फूल, केले बिकते हैं ना नवदीप में, तो केले के पत्तों पे खाना खाया जाता है बैठ के, और केले की सब्जी बनती है, और केले के फूल की शायद दिखवा बताएंगे फूल उसकी बनती है ना सब्जी, केले की फूल, हाँ तो तने की सब केला पूरी तरह से यूज होता है। तो वो थोड़ा मोटा था और एक टूटी सी उनकी झोपड़ी थी उस पर टाट वो पड़ी हुई थी और वो भी जगह जगह से टूटी हुई थी, उसमें से पानी आता रहता था बरसात में, तो मतलब कहने का आता ही, और वो जो कपड़े पहनते थे वो सब फटे हुए थे, उनमें गांठ लगी रहती थी जगह जगह। लेकिन क्या करते थे कि जो भी इनकम होती थी उसका 50% वो गंगा की सफाई में देते थे, मान लो 2 रुपये भी बचे उनके तो 1 रुपये तो वो दान कर देते गंगा की सफाई के लिए, और बाकी जो है भगवान के भक्तों की सेवा में लगाते थे, कुछ चवन्नी अपने काम में आती थी उनके। तो ऐसे ही था उनका हाल चाल,
तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास आते थे और चैतन्य महाप्रभु तो शायद आप जानते हैं लोग बहुत उत्सृंखल थे, बहुत मिस्चीवियस थे बचपन में, जब तक वो भक्त नहीं बने थे बहुत उद्दंड थे, बहुत ज्यादा हर एक से बहस करते थे, हर एक को जो है वो पंडित थे, निभाई पंडित थे, है ना, और भक्तों का मजाक उड़ाते थे, भक्त उनसे कतराते थे, है ना, गदाधर पंडित को देखते थे आता हुआ, गदाधर को रोक लेते, रुको मेरे क्वेश्चनों का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो, जाना ना, उनकी हालत खराब होती है, चैतन्य महाप्रभु हम भगवान है लेकिन अभी भगवान जो है भक्त के उसमें नहीं आए हैं, अभी सिर्फ क्या है वो बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े पंडित, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण, वाद विवाद तर्क वितर्क करना तो इस तरह से करते थे और एक सेकंड में छुट्टी कर देते थे, कोई खड़ा ही हो पाता उनके पास, अब मुकुंद और गदाधर पंडित ये सब जैसे दूर से थे ना कि निमाई पंडित आ रहे हैं तो रास्ता बदल देते थे, तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे अपने जो जो उनके शिष्य होते थे पढ़ाते थे वो स्कूल में कि ये तो आ रहे थे कैसे, नहीं शायद हो सकता है कुछ काम याद आ गया चले गए, वो समझने लगे थे कि ये मुझे देख के ना रास्ता बदल देते हैं, तो इस तरह के मतलब बहुत उदंड थे और बहुत ही विद्वान तो थे, साक्षात भगवान थे और ग्रामर का ज्ञान था, संस्कृत का ज्ञान था पूरा, तो उसके पास जाते थे श्रीधर कोलाविचार श्रीधर के पास और कहते थे मुझे केले चाहिए क्या लोगे, वो कहते 50 पैसे, नहीं बहुत ज्यादा बता रहे हो, ये तो 5 पैसे का भी नहीं है, तो वो उठा लेते थे और उठा के कहते थे नहीं मैं पैसे ही नहीं दूंगा, ले जाते थे ऐसे, तो ऐसे ही करते थे, बहुत रेट लगवाते थे, वो मिनिमम पे आता था फिर मिनिमम भी देते थे कि तुम पता है तुम किसकी सेवा कर रहे हो, ब्राह्मण की सेवा कर रहे हो तो बहुत फल मिलेगा, ये करके भगवान के लीलाएं हैं। तो मैं बता रहा था कि वहां पे ना पानी भी टपकता था उसी कोठी में, तो वो रात रात भर जो है भगवान का कीर्तन करता था, तो जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो ये कहते थे कि इसके ना ये खाता नहीं है ना तो इसको नींद नहीं आती और रात रात भर ये दर्द से चिल्ला कर वो रोता रहता था भगवान के लिए, और पड़ोसी सोचते थे कि इसको ना नींद नहीं आई है और ये भूख से चिल्ला रहा है, और उसको कुछ दे जाते थे ये ले यार खा ले कुछ हमें तो सोने दे, और वो लेकिन वो भगवान की प्रार्थनाएं करता होता था, तो कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत अंदर से जो हमारे अंदर प्रार्थना है उसमें, और जब लगे हमारे भक्ति ने थोड़ा उथल पुथल मच गई है, थोड़ा नीचे जा रहा है ग्राफ, तो और ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए, तब जो है भगवान डेफिनेटली जो हमारी प्रार्थना को सुनकर रेसिप्रोकेट करेंगे, सुनेंगे, ठीक है। तो शुभधा हो गया, 3 हो गए, चौथा और बताओ, मोक्ष लघु कृता, मतलब जो मोक्ष है वो भी क्या है, बहुत कम है, बहुत छोटी चीज है, भक्ति करने के बाद कहते हैं ना धर्म अर्थ काम मोक्ष, सांसारिक लोगों के लिए मोक्ष जो है बहुत बड़ी चीज है, कहते ना हमारे पिताजी जी मोक्ष को प्राप्त हो गए, ये सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट है उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन जो भक्त होता है उसके लिए मोक्ष जो है बहुत ही छोटी सी चीज है, मैं पिछली बार बताया ना कि मोक्ष का जो सुख है यानी ब्रह्म ज्योति में लीन होने का जो सुख है वो गाय का जो बछड़ा होता है उसके जो गोखुर होता है उसमें भरे जल के समान है, और जो भक्ति का सुख है वो कितने के समान है, सागर के, तो कहां तो समुद्र है पूरा और कहाँ जो है बछड़े के खुर में भरा हुआ जल है इतना सा, तो इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो भक्ति के सुख को क्या था प्रेमा प्रेमानंद प्रेमानंद, और जो ये जो मोक्ष का जो सुख है इसको कहते हैं ब्रह्मानंद, जो ब्रह्मानंद है ब्रह्म से मिलने वाला आनंद है, मोक्ष से मिलने वाला आनंद है वो नगण्य है, तुच्छ है एज कंपेयर टू द सुख जो हमें भक्ति से मिलता है, भक्ति से मिलने वाला सुख जो है वो सागर की तरह है प्रेमानंद, और जो बाकी जो मोक्ष से मिलने वाला सुख है वो क्या है, बहुत छोटा सा है, बहुत लघु है, बहुत ही
नेग्लिजिबल है वो एज कम्पेयर टू दैट। बिल्लू मंगल ठाकुर कहते हैं कि बिल्लू मंगल ठाकुर जो है प्रार्थना करते भगवान की, वो कहते हैं कि मोक्ष तो मेरे दरवाजे पे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। तो जब भक्त जो है, भक्त तो ये मोक्ष, भक्त तो ये प्रेम भगवान का प्रेम। और जो पांचवा था वो क्या था, कृष्ण आकर्षण, ये ना कृष्ण आकर्षण। तो भक्ति है वो कृष्ण को आकर्षित करने वाली है। कृष्ण को कोई कौन आकर्षित कर सकता है, नहीं भगवान है, राजा रानी है, मदन मोहन कहते हैं भगवान। मदन मोहन का मतलब क्या है कि जो कामदेव है, कामदेव को मोहने वाले, कामदेव जो सबसे सुंदर समझे जाते हैं, कामदेव, कामदेव को भी मोहने वाले क्या है, भगवान कृष्ण। उनको क्या कहते हैं, मदन मोहन। जो मदन, मदन मतलब क्यूपिड, इंग्लिश में बोलते हैं क्यूपिड, क्यूपिड को अटैक करने वाले मोहन, वो है मदन मोहन। और श्रीमती राधा रानी को क्या कहते हैं, मदन मोहन मोहिनी, जो मदन मोहन को भी मोह ले। कैसे मोहती है वो, अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से। इसी तरह से जो भक्त है वो क्या करते हैं, भक्ति जो है वो कृष्ण आकर्षणी है, कृष्ण को आकर्षित करने वाली है। भगवान हमारे ये जो हम भोग लगाते हैं भगवान को, इससे आकर्षित नहीं होते। एक अमीर आदमी तो बहुत तरह तरह के भोग लगा सकता है, तो उससे आकर्षित हो जाएंगे भगवान, नहीं होते ना। लेकिन एक गरीब व्यक्ति अगर एक पत्र, एक पुष्प, एक फल, थोड़ा सा जल भी भगवान को अर्पित करता है प्रेम के साथ, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भगवान कहते हैं 9.26 पे शायद 22 है, देखो ना 9.26 पे 9.26 है ना। तदम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रियतात्मना, कि अगर कोई भक्त, तो अगर कोई व्यक्ति, कोई भक्त भगवान को एक पत्ता, भगवान के लिए बहुत बड़े बड़े भोग बनाने की जरूरत नहीं है, सफल भोग की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो करने चाहिए। ये नहीं है फिर कि लाके ये पत्ता रख दिया, यथा जैसी आपकी सामर्थ्य हो, नहीं मतलब सामर्थ्य तो है हमारी, लेकिन हम तो नहीं कि भगवान तो गाय की जल जरूर, नहीं। और तो ये है कि भक्ति जो है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो निर्धन हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे वो गाँव में रहता हो, चाहे जो है वो कहीं भी रहता हो, कोई भी कुछ भी काम करता हो, वो भी भक्ति कर सकते हैं। क्या करना है उसे, सिर्फ प्रेम पूर्वक भगवान को ये चीजें अर्पित करनी। तो इन सब चीजों से भगवान अट्रैक्ट होने वाले नहीं है, इन चीजों के पीछे जो भाव है उससे भगवान अट्रैक्ट होते हैं। जनरली जब हम इस्कॉन में जुड़ते हैं और हमें पता लगता है कि भाई हमें भोग प्रसाद नहीं, मतलब भगवान को भोग लगाना है, हमें प्रसाद खाना है, तो सबके साथ समस्या आती है। अपने घर परिवार में जब जाते हैं तो कहते हैं भाई हमने बनाया तुम लगा लो, आती है ना, हमें तो बहुत आई सब जगह खाते हैं, तो क्यों नहीं खाते, क्योंकि वो जो बनाया हुआ है वो भक्ति पूर्वक ही बनाया है, वो बनाया अपने लिए बनाया हुआ है। और भगवान गीता में बताते हैं 3rd chapter में कि जो अपने लिए बनाते हैं वो क्या कहते हैं, पाप ये पचंती आत्मप्राणा, जो अपने लिए पकाते हैं और खाते हैं वो क्या कहते हैं, पाप। तो वो बनाया तो उनके लिए, भगवान का इच्छा करें, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भोग बनाना चाहिए भगवान के लिए बहुत प्रेम के साथ। और जब भोग बना रहे हों तो हम धीरे 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 भगवान का चैंटिंग करते हैं। यशोदा माता भी जब दूध गिड़ोती थी, दही गिड़ोती थी,
मक्खन निकाल देते तो वो भगवान की लीलाओं का स्मरण करते होते, चैंटिंग करते होते। तो इसी तरह से हमें हमेशा जो है जब भी भोग बनाए किचन में रहे तो क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, ये कर लें। कोई श्लोक याद करने को दिया उसको याद कर लें, उसको रिवाइज करते रहें, उसको मेमोराइज करते रहें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम हमेशा जो है एब्जॉर्ब रहेंगे भगवान, और फिर उसके बाद जब बन जाएगा तो फिर जब हम भगवान को भूल जाएंगे तो भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे। भगवान कहते हैं कि करना, और हमारे जो सबसे बड़ा जो मार्गदर्शक कौन है, गीता है और श्रीमद् भागवत है। लोग कहते हैं अरे भगवान ने तो सब कुछ दिया है, वो तुम्हारे भूखे भूखे, नहीं भगवान भूखे भूखे नहीं है, लेकिन भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम के वश अर्जुन रस हाथो साग विदुर घर खाई, प्रेम प्रेम के कारण जो है विदुर ने जो साग बनाया था उसको खा लिया। शबरी ने झूठे कर करके दिए थे फिर राम को, और राम जी ने खा लिया, लक्ष्मण जी खाएंगे, क्यों खा रहे हैं भगवान, क्योंकि बहुत प्रेम पूर्वक कि कहीं मतलब कड़वा बेल में चला जाए भगवान को, इसलिए चक चक के दे देते। भाव ये नहीं था कि अपने अपना झूठा देखते होते होगा राम होगा अपना झूठा क्या, अरे भाव ये था कि गलती से भी कहीं भगवान को कड़वा बेल में चला जाए तो इसलिए चक लेती थी फिर देती। तो भगवान उसको एक्सेप्ट कर, जैसे कि जब हम वृंदावन गए थे पहली बार कौन कौन गया था वैसा राधा मदन मोहन टेम्पल गए थे ना, तो वहाँ पे प्ले किया था मदन सनातन गोस्वामी का, सनातन गोस्वामी का प्ले किया था। तो वहाँ पे एक ब्रजवासी थे, वो क्या कर रही थी भगवान की भूख बना रही थी और दातुन कर रही थी, याद है क्या, बताओ कौन बताया, कौन बताया इसका था, ये दूसरी तरह से है, लेकिन वहाँ पे वृंदावन में दूसरी तरह से सनातन गोस्वामी थे, मदन मोहन जी के विग्रह थे, उनकी वो सेवा करते थे, बच्चे खेलते रहते थे विग्रह से। तो सनातन गोस्वामी ने कहा ये आप क्या कर रहे हो, आप मतलब भगवान के भोग बना रहे हो और उस दांतों से जो है आप जो चला रहे हो उसे, कहने लगे हम तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं हमारे भगवान को। कहते नहीं भगवान के तो बड़े रूल रेगुलेशन हैं, कायदे कानून हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आप तो भगवान को बहुत हल्के में ले रहे हो। तो कह के सनातन गोस्वामी चले गए, तो सनातन गोस्वामी को सपने में दिखाई दिए भगवान कि आप मुझे ले लो, मैं आपके आसपास आना चाहता हूँ, और उनको भी सपने में दिए दिखाई दिए कि मेरी सेवा ना आप उनको ट्रांसफर कर दो। तो सनातन गोस्वामी घबरा गए, अरे मैं कैसे रहूँगा कि मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे अपने खाने का पता जाता है, मैं भगवान को कैसे भूल रहूँगा। तो खैर वो एक दो बार तो हुई, उसके बाद फिर वो उनके पास आ गए। तो भगवान जब आ गए तो भगवान को वो जो भी उनको मधुकरी करते जाते थे, मधुकरी मतलब भिक्षा मांगने, तो भिक्षा में जो भी रूखी सूखी रोटी मिलती थी वो भगवान के सामने ला के रख देते थे, खा लो आप। तो भगवान उनसे कहते हैं एक दिन, अरे कम से कम भले आदमी नमक तो दे दिया कर, फीकी देता है तो फैल गए, क्या बात कर रहे हो आप, आज नमक मांग रहे हो कल चीनी मांगोगे परसों मिठाई मांगोगे, मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं कहाँ से लाऊंगा, खाना खाओ नहीं तो खाऊंगे, मैं तो ये करा लगता। तो फिर भगवान ने पूरा इंतजाम कराया था, वो कपूर थे वो नमक का व्यापार करते थे, और जब कभी चले नहीं वहाँ पर कुछ बताएंगे।
ठीक है, तो फिर वो मंदिर की पूरा स्थापना हुई और फिर वो भोग आने लगे और फिर उनका भगवान का अपना रिजल्ट कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है हमारे प्रेम को और भाव को हितग्राही है, भावग्राही है ना। लेकिन भाव कब आएंगे, जब हम साधना भक्ति को अच्छे से करेंगे। भाव कोई सेंटिमेंटलिज्म नहीं है, भावुकता नहीं है। आज भाव आ गया, बस आज तो मैं भगवान को छप्पर भोग लगा दूंगा और फिर 56 दिन तक पानी भी दूंगा। एक दिन तो छप्पर भोग लगा दिया और अगले दिन 56 दिन तक पानी भी दिया, ये भाव नहीं है, ये सेंटिमेंटलिज्म, भावुकता है, भावुकता। ठीक है, तो हमें हमेशा जो है भक्ति को चीपली नहीं लेना है। उसके जो पीछे सिद्धांत है, जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, रूप गोस्वामी की कृपा से, और जितने भी शब्द गोस्वामी हैं, और उसके बाद प्रभुपाद की कृपा से, हमें प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से हमें जो मिले हैं, उनके सिद्धांत को समझते हुए भक्ति करना। वृंदावन में हमने देखे हैं कि लोग ना मोर के पंख लगा के और नाचते रहेंगे। पूछो भाई क्या हो गया ने? ये ना भगवान की लीला में प्रवेश कर चुके, भाव में आ चुके। इनका जो स्वरूप है वो मोर है, मयूर, अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुके। और थोड़ी देर बाद देखो तो औरतों के साथ बैठे होंगे और सिगरेट बीड़ी सिगरेट पी रहे होंगे। अब कहाँ गया भाव, चला गया। तो ये जो है भावुकता, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। और आम जो जनता है, जो भोली भाली जनता है, जो सिद्धांतों को नहीं समझती, वो सोचते हैं क्या बात है, ये भावना गए तो ये तो भगवान ने भी नौ लिखा है, ये तो मोर की तरह नाच रहा है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी कृपा है प्रभुपाद की, कि प्रभुपाद हमें भावुक होने से बचाते हैं। भावुकता के साथ भक्ति नहीं करनी, सिद्धांतों को जानते हुए भगवान की भक्ति को समझें। इसलिए श्रील प्रभुपाद की सबसे बड़ी कृपा यही है कि उन्होंने भगवद गीता लिखी, श्रीमद भागवतम लिखा, परपट से लिखे, क्योंकि हम इस श्लोकों को समझ के अपने जीवन में नहीं उतार सकते, गलत समझ सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने परपट दिए, तात्पर्य दिए, हम ये तात्पर्य है इस श्लोक का और इसको इस ये सिद्धांत है, इसको हमें ऐसे समझ। भक्ति जो है सिद्धांतों पर आधारित होती है। कहते हैं कि रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म, रिलीजन विदाउट फिलोसफी, ऐसा धर्म जो किसी सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है वो क्या है, केवल फिलोसफी नहीं है, सेंटिमेंटलिज्म, भावुकता है। ऐसे बहुत सारे धर्म हैं आज के कलयुग में जिनके पीछे कोई फिलोसफी नहीं है, केवल भावुकता, भावुकता। आपने देखा होगा कीर्तनों में माँ बुलाते पूरी करते हीरो कार्टून में, मथुरा से चली गाड़ी चुक 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 करते, पता नहीं क्या क्या गाड़ी, कोई सिद्धांत नहीं है, सब भावुकता है। और नाच रहे होते हैं उसमें, ऐसे दिखा रहे पूरे भावावेश में आ गए। और फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल कंपाउंडिंग, ऐसा सिद्धांत जो धर्म से रिलेटेड ना हो वो क्या है, मन की मेंटल स्पेकुलेशन होगी, क्या बोलेंगे स्पेकुलेशन को आकलन करते हैं, मन के द्वारा सोचना, बस मन के मेंटल स्पेकुलेशन। तो रिलीजन विदाउट फिलोसफी, ऐसा धर्म जिसके पीछे कोई फिलोसफी ना हो, कोई सिद्धांत ना हो, वो क्या है, सेंटिमेंटलिज्म, भावुकता है। और ऐसी फिलोसफी जिसके पीछे धर्म ना हो वो क्या है, मेंटल स्पेकुलेशन, यानी कि मानसिक उहापोह, मेंटल स्पेकुलेशन मतलब मानसिक मन से आप अनुमान प्रमाण लगा लो, बस ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे केवल मन के प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, ऐसा होगा, ये सब एक ही है, ये सारे भगवान एक हैं, सब एक है, सब
ज्योति भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, सब एक। किसी भी रास्ते पे चलो अभी सब सब रास्ते एक ही सब वहीं जा रहे हैं। हाँ घूम फिर के वहीं जा रहे हैं। ये मानसिक स्पेकुलेशन। भगवान कैसे है? भगवान कुछ भी नहीं है जी, बस शून्य है, मानसिक। हाँ ले जाकर सब कुछ सब जीरो है, हर जगह बस भगवान में विलीन हो जाए। मेंटल स्पेकुलेशन है, मानसिक हुआ मन के स्तर से सोच रहे हैं भगवान ऐसे भगवान ऐसे भगवान ऐसे भगवान ऐसे। भगवान को जानना है तो हमें सिद्धांत और रिलीजन के साथ जाना है। भगवान का रूप का, भगवान के गुणों का, नाम का, सबका वर्णन जो है शास्त्रों में और आचार्यों ने उन्हें जब मंगला आरती करते हो श्रृंगार आरती करते हैं तो कितना सुंदर रूप का वर्णन है ब्रह्म संहिता में। तो हमें अगर पूछे कि भगवान कैसे हैं तो आप बताओगे भगवान के रूप का वर्णन कर सकते हैं। बरहा पीडम नटवर वपु ऐसे आपको गोविंद आदि पुष्पम देंगे क्या इस चंद्र वेणु क्वंतम अर्गंधम दलायताक्षम। ये जो है भगवान के रूप का वर्णन है, ये सब शास्त्रों में। अब मैं आपके आग्रह नहीं 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 अरे भगवान तो जीरो है, भगवान तो प्रकाश है, भगवान तो शून्य है, भगवान तो कस्टमर जो जो ग्राहक है वो भगवान है। बहुत से लोग कहते हैं कस्टमर इज गॉड, ग्राहक के रूप में भगवान तो ये है। तो अगर दरिद्र नारायण जो भी गरीब है ये नारायण है, भगवान दरिद्र है। भगवान षड ऐश्वर्यपूर्ण है, छह की छह ऐश्वर्य जो हैं उनसे परिपूर्ण है वो है भगवान। तो ये बहुत बड़ी कृपा है हमारे आचार्य जी, उन्होंने सिद्धांत दिए हैं ताकि हम किसी गलत चीज को जो है भगवान ना समझ बैठे। आजकल के तो भगवान के काफी तो जेलों में है जो पहले कहते थे मैं भगवान हूँ, कहते थे आई एम गॉड। तो ऐसे बहुत सारे भगवान जेलों में हैं और बहुत सारे आगे जाएंगे जेलों में। भगवान का बताया कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भागवतम कहती है एते चांस कला पूछो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण समर्थ भगवान, पूर्ण भगवान, सभी जो अवतार हैं उनके क्या हैं आगा वहीं से शुरू है कृष्ण। इसलिए जो है हमें बहुत सावधान रहना है कि कोई भी जो है ऐसे नहीं बता दे ये भगवान ये भगवान 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 है। जो भी कहेगी मैं भगवान हूं उसे कहोगे चल ठीक है तो भगवान मान लेंगे तुम भगवान है, तुम जरा गोवर्धन उठाओ उठाओ गोबर नहीं उठा सकते कम लोग लीटर 10 लीटर पानी उठा दो रास लीला बचाने का हक उसी को है जो गोवर्धन उठाने का है। कृष्ण करे तो भगवान जो है भगवान ही रहेंगे। जब वो बच्चे थे तब भी भगवान थे, जब वो छोटे से बच्चे थे पूर्ण दूध पिलाने आई तो किसी ने आके बचाया उन्हें अपने आप भगवान सेल्फ सफिशिएंट। बड़े बड़े असुर आए कृष्ण को मारने के लिए चुटकियों में ही चुटकी हो जाती खत्म। वो भगवान ये नहीं कि जब बच्चे हैं तो ये भी भगवान बनते हैं, ये थोड़ा भी बोन मीटर पीना है ताकत आएगी थोड़ा भी भगवान थोड़े बच्चे के रूप में कमजोर नहीं। भगवान हमेशा भगवान रहते हैं, पैदा होने से पहले जो है उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप जो है वसुदेव तो देवी को दिखा दिया। तो भक्ति जो है कृष्ण आकर्षणी है, भक्ति अगर हम अच्छे से करेंगे तो हम कृष्ण को आकर्षित करने में सफल रहेंगे। भक्ति के अलावा कोई और ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम कृष्ण को अट्रैक्ट कर सकें। भक्तिया माँ भी जानती है
गीता भगवान कह रहे हैं केवल भक्ति के माध्यम से ही मुझे जाना जाता है। जगह 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 गीता में बीच के जो 6 अध्याय हैं, 7वें से लेके और 12 तक, ठीक है ना, उनमें यही दिया हुआ है भक्ति 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 भक्ति। गीता में भक्ति ही करना सिखाती है। लोग आज साधारण मनुष्य है वो क्या सोचते हैं कि गीता तो जी काम करने को कह रही है। काम करने को मना नहीं करती गीता, लेकिन काम को किस चेतना के साथ करना है वो बताते हैं। जब काम को कृष्णमय होकर करेंगे तो वो भक्ति करते हैं। काम तो सभी ने करना है, एक स्टूडेंट को भी काम करना है, एक बिजनेसमैन को भी काम करना है, एक व्यापारी को भी काम करना है, सबको काम करना है इस संसार में रहते हुए सबको, क्योंकि शरीर दिया हुआ है, शरीर के पालने के लिए काम आवश्यक है, लेकिन उस काम को किस चेतना में किया जाए ये गीता बताती है। गीता यही बताती है। लड़ाई जो थी अर्जुन ने भी लड़ी थी और वही लड़ाई दुर्योधन ने भी लड़ी थी, दोनों लड़ाई कर रहे थे ना, युद्ध कर रहे थे दोनों, कोई डिफरेंस था? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस था। क्या डिफरेंस है? चेतना का डिफरेंस, कॉन्शियसनेस का डिफरेंस। एक था जो भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहा था, वो कौन थे? अर्जुन। एक था भगवान के विरुद्ध युद्ध कर रहा था, भगवान जो चाहते थे वो नहीं करके अपना जो चाहता, जो अपनी चाह थी, जो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन थी, इंद्र तृप्ति थी, उसके लिए युद्ध कर रहा था। भगवान तो संदेश लेके गए थे दुर्योधन के पास, युद्ध मत करो, ये 5 गाँव दे दो, छोड़ो आधा राज्य भी छोड़ो, 5 गाँव ही दे दो। लेकिन उस संदेश को भी दुर्योधन ने ठुकरा दिया। क्यों? कि एक सुई की नोक के बराबर भी हिस्सा नहीं दूंगा मैं। अहंकार इतना जबरदस्त था, नहीं ये सब कुछ मेरा है, जैसे मैं चाहूंगा वैसे मेरा हक है। तो दोनों ने लड़ाई की, तो एक की लड़ाई क्या बन गई? भक्ति। एक की लड़ाई क्या बन गई? नाशाबार। तो ऐसे ही जो है, जब हम काम करते हैं कोई भी, अगर हम उसे कृष्ण चेतना में नहीं करेंगे तो वो हमारे नाश का कारण बनेगी। दुर्योधन की तरह करेंगे, भगवान को भूल के करेंगे, भगवान के विरुद्ध जाके करेंगे, तो डेफिनेटली जो है हम दुर्योधन, कंस और रावण की तरह हमारा भी अंत हो जाएगा। और उसी कार्य को अगर हम कृष्ण चेतना में रह के करेंगे, तो जैसे प्रहलाद महाराज ने किया, जैसे अर्जुन ने किया, और बड़े बड़े जैसे हरिदास ठाकुर ने किया, फिर हमारा कार्य वो भक्ति हो जाएगा। कितना बड़ा फर्क है। कहने को दोनों लड़ रहे हैं, अर्जुन भी और दुर्योधन भी, लेकिन किस चेतना के साथ कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो कोई बिजनेसमैन भी है, वो किस चेतना के साथ बिजनेस कर रहा है अपना, वो इम्पोर्टेंट। गीता ये नहीं कहती बिजनेस छोड़ दो, गीता ये नहीं कहती काम छोड़ दो, गीता ये नहीं कहती पढ़ाई छोड़ दो। पढ़ाई को बहुत अच्छे से करना है, गंभीरता से करना है जो स्टूडेंट्स हैं। ये नहीं अरे क्या रखा है प्रभु, कुछ नहीं है, सब मोह माया है, ऐसे करते हैं ना बहुत से, सब मोह माया है, कुछ नहीं रखता जी, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, ऐसा नहीं है ना, ये बात नहीं है, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, नहीं ऐसा नहीं। गीता ये सिखाती है, तस्मा सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मर युद्ध च, भगवान अर्जुन को कहते हैं इसलिए तस्मा सर्वेशु कालेशु हर समय मां मनुस्मर मुझे स्मरण कर एंड युद्ध च और अपना कर। गीता की जो टीचिंग है टॉप मोस्ट वो यही है कि अपना कार्य करते हुए मुझे याद करते हुए कार्य, मुझे भूल के नहीं कर। मन मना भाव मद भक्तो, मुझे अपना मन मुझ में लगाए रख। लेकिन आज के युग में क्या हो रहा है, युग में सब उल्टा हुआ है, हम कृष्ण को भूले हुए हैं, है ना, और बस अपने कार्यों में लगे हुए हैं, इसीलिए सारी की सारी प्रॉब्लम है। तो जब हम भगवान को याद करते हुए और भगवान के लिए कार्य करेंगे तो डेफिनेटली वो कार्य जो है हमारा भक्ति कहलाएगा, वो कार्य भक्ति कहलाएगा, वरना वही कार्य जो है हमारे विनाश का कारण बनेगा, हमारे भवरोग का कारण बनेगा, भवरोग को बढ़ाएगा, वो कार्य हमारा
इंद्रिय तृप्ति में किया गया कार्य है, जो भी कार्य है अपनी प्रसन्नता के लिए किया जाएगा वो हमारे भावरोग को और बढ़ाएगा, हमारी बीमारी जो है और बढ़ जाएगी, ठीक नहीं होगी और बदतर हो जाएगी, है ना। तो अगर शुगर का पेशेंट शुगर खाने लगे, शुगर का पेशेंट है और शुगर पे कूद के पड़े, क्या होगा, मर जाए, है कोई बचने का चांस, बहुत जल्दी हो जाएगा उसका, हरि बोल नहीं हो जाएगा, हरि बोल सिचुएशन, हॉरिबल हरी बोल नहीं तो ये सिचुएशन हॉरिबल सिचुएशन है। अगर शुगर पेशेंट जो है शुगर पे पिल जाए दिन रात, कुछ नहीं, लोहा लोहे को काटता है, शुगर शुगर को काटेगी, ऐसा होता है। तो इसीलिए अगर हमें भवरोग को ख़त्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने कार्यों को कृष्णमय होके करना पड़ेगा, कृष्ण चेतना में, गॉड कॉन्शियसनेस होके, कृष्णा कॉन्शियसनेस होके, भक्त भक्ति में रहते, और भक्ति तो जो है क्लेशाग्नि है, समस्त रोगों को दूर करने वाली है, जितने भी क्लेश हैं हमारे उनको मिटाने वाली है, भवरोग तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है ना। तो भवरोग से अगर हमें छुटकारा पाना है तो हमें भक्ति बहुत तीव्रता के साथ करनी है। तीव्रता के साथ क्यों करनी है, क्योंकि बहुत समय हम वैसे ही कोई 40 साल, कोई 50 साल, कोई 20 साल, कोई 15 साल, अभी यहाँ बच्चे भी हैं, हम गवा चुके हैं ऑलरेडी, इतना समय तो निकल चुका है। तो अगर अभी भी ढीली ढाली भक्ति रखेंगे तो अंजाम भी थोड़ा भी ढीला ढीला होगा। तो इसीलिए हमें बहुत गंभीरता के साथ इस भक्ति को लेने का प्रयास करना है, ताकि हम जो है इसी जीवन में जो हमारा परम गंतव्य है और जो हमारा लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, इसी जीवन में प्राप्त करें, ठीक है। किसी का कोई प्रश्न, कोई सवाल नहीं, हाँ जी जी, मेरा जो प्रश्न है वो कि मुझे कभी कभी समझ नहीं आता, और आता मैं किसी से प्रश्न पूछ भी नहीं पाता कि लाइक अभी जैसे बांग्लादेश है और कुछ कंट्री है जिसमें डिवोटी जो बहुत अटैक हो रही है, और देयर डिवोटी जो पूर्ण पूर्ण निष्ठा से अपना सेवा कर रहे हैं अभी, बट उन पर अटैक हो रहे हैं और फिर वो दोनों में भी प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जब किसी से पूछा जाता है ना, तो हम मायावादी लोग हैं और डिवोटी हैं, उनका भी क्वेश्चन ये होता है कि ये उनके कर्म है। अब तो मुझे ये समझना है कि अगर ये उनके कर्म है तो इट मीन जिसने उन पर अटैक किया या जिसने उनको मारा, तो क्या मतलब वो भगवान की मर्जी थी कि उनको मारा। अब उन्होंने अगर डिवोटीज को मारा है, किसी को भी कुछ किया है, इवन अगर मैं नॉर्मली किसी इंसान के अंदर ऐसे कुछ हो रहा है, तो जिसने उसको मारा, तो वो जो व्यक्ति है वो भगवान उसको कुछ उनको कुछ करेगा या नहीं करेगा, ये थोड़ा क्वेश्चन है। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का। प्रभु जी कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, ड्योटी तो बाद में बात आएगी, पहले कोई व्यक्ति है किसी को मार रहा है, तो भगवान क्या चाहते हैं, क्यों हो रहा है, कोई जवाब देना चाहेगा। मतलब कल पढ़ रहा था मैं, तो ये होता है कि हमें पाप तो ज़्यादा मिलने वाले होते हैं, लेकिन अगर हमने इस जन्म में भक्ति करी है तो पाप को छोटे होके हमें वैसे मिल जाते हैं, क्या पता उससे ज़्यादा कुछ होने वाला हो हमारे पास। अगर हम भक्ति करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे जो हमारे साथ हो रहा होता है वो एक्चुअली ज़्यादा हो सकता था, लेकिन भक्त बनने के कारण जो है वो कम हुआ, लेकिन होना ज़रूर है। क्योंकि अब ये है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं कि पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया तरह से चलेगी, अब भक्ति कर रहा हूँ तो पढ़ाई में भी उधार कुछ होगा, अप एंड डाउन सब कुछ होगा, एंड मुझे मेहनत करके बस यही है, जैसे प्रभु जी ने आज बताया कि प्रेयर करनी है और ज़्यादा प्रेयर करनी है, और परिश्रम जो है वो और ज़्यादा करना है, ताकि ये भी हो कि भगवान ये लेसन दे रहे हैं। कुछ मिला आंसर आपको नहीं थोड़ा? देखिए ऐसा है कि जो आम व्यक्ति होता है उसके जीवन में जितनी भी घटनाएँ होती हैं वो उसके पूर्व जन्मों में किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति भक्ति में आता है
तो भक्ति में आने के बाद जो भक्त के जीवन का जो संचालन है वो भगवान के निरीक्षण में होता है, वो देवी प्रकृति के आश्रित हो गया, माया से निकल गया, होगा काल और कर्म के गुणाधीन नहीं रहा, होगा काल कर्म गुणाधीनों देवयम पाद होती। जो आम आदमी है वो काल कर्म और प्रकृति के तीन गुणों के अधीन है, उसके जीवन वैसी घटनाएं होंगी। लेकिन जो भक्त है, कई बार क्या होता है कि हम जैसी भक्ति में आए तो हम सोच लेते हैं कि अब मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चलेगा, हमारी एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है, वरना हम भक्ति करेंगे अगर ठीक चलेगा तो। जैसे कि मान लो ये पंखा चल रहा है अभी, ठीक है ये चल रहा है, जब तुम स्विच ऑफ कर देंगे कर दिया, देखो पंखे को देखो चल रहा है, चल रहा है ना, स्लो स्लो चल रहा है, लेकिन स्विच तो ऑफ है लेकिन भी चल रहा है, क्यों क्यों चल रहा है? इट विल टेक टाइम टू स्टॉप, इसका जो इनर्शिया है वो उसको चलाए रखता है। तो ऐसे ही जब हम भक्ति में आते हैं तो पूर्व जन्मों के जो कर्म है वो हमें चला रहे हैं, एकदम से रुकेंगे वो, वो चलेंगे अभी, उन्हें टाइम लगेगा रुकने में पूर्ण रूप से, ठीक है तो चल रहे हैं। एक तो उनके सब, दूसरे भगवान के अधीन है, और भगवान जो है अगर हम वास्तव में शुद्ध भक्ति के स्तर पर हैं तो भगवान हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ लाएंगे, एक भक्त जो है उन परिस्थितियों से विचलित नहीं होगा। आपने सॉल्टेड ब्रेड वो है पढ़िए, आपने कितने अत्याचार हुए रशिया में ड्यूटी पे, भक्तियों की घटियाँ बढ़ी बढ़ गई है बढ़ती है। तो किसी भी परिस्थिति में हो हमें हमेशा ये सोचेंगे कि ये भगवान की विशेष योजना है मुझे प्योरीफाई करने के लिए। जब प्रभुपाद जी की फैक्ट्री में आग लगी तो प्रभुपाद खुश हो गए कि ये आदमी वो था, ये भी चलो गया, अब मैं पूर्ण रूप से भक्त। अब कोई कहे कि नहीं प्रभुपाद तो शुद्ध भक्तियों की फैक्ट्री में आग लगने वाला था, अरे भाई भगवान की योजनाओं को समझ सकता है, नहीं समझ। लेकिन भक्त जो है उसे हमेशा टीचिंग्स देते हैं, उसे सीखते हैं कि ये मेरे प्योरीफिकेशन के लिए है, मुझे और भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, और प्रभुपाद ने उसको वैसे लिया। एक आम आदमी होता है वो क्या कहता है, अरे यार भगवान का बेड़ा गर्म हो जाए, मेरी एक फैक्ट्री ले देखे वो भी जला दिया। तो ये अप्रोच में फर्क रहता है, एक भक्ति और एक आम आदमी। तो आम आदमी के जीवन में जो भी घटित होता है वो पूर्ण रूप से जो है माया के रूप में है, लेकिन भक्त के उसमें जो है जो भी घटित होता है वो भगवान की योजना के तहत होता है। हरिदास ठाकुर, प्रहलाद महाराज, पौंडव, कितने शुद्ध भक्त थे, कम कष्ट आए थे उनके ऊपर, कैसे भक्त है, लेकिन भगवान ग्लोरीफाई कराना चाहते हैं उन भक्तों को। जो पांडवों की इज्जत आज करते हैं हम, क्यों करते हैं कि इतनी विपत्ति आने के बावजूद भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। अगर वो छोड़ देते अरे कोई फायदा नहीं, कृष्ण तेरे साथ रहने के तो भगवा दिया, जुए में हरवा दिया, द्रौपदी अच्छी हरण करवा दिया, तुम साथ हो मेरे भगवान, भगवान कहते अपने आप को, तुम्हारे रहते रहते हमारा याद उड़ाया, जाओ यहाँ हमारे साथ किया है कभी नहीं किया, और दृढ़ता से भगवान की भक्ति, विश्वास बढ़ता चाहिए, फेथ बढ़ना चाहिए। अगर हर सिचुएशन में हम फेथ को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली कृष्ण की भक्ति नहीं होगी। और जो डिवोटी आपको लग रहा है कि वो पीट रहे हैं, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, वो बिकम ग्लोरियस, सही बात है। जब हमारे भक्त के जीवन में जब रिवर्सल आते हैं, रिवर्सल मतलब जो अनफेवरेबल सिचुएशन आती है, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो वो उसको प्योरीफाई करने जाते हैं। जैसे कि सोने को अगर हम आग में नहीं डालेंगे तो उसमें इम्प्योरिटी बनी रहेगी, जैसे उसको तपाएंगे जितना तपाएंगे उतना ही वो निखर के आएगा। तो ये मूवमेंट ऐसे ही चल रहा है, उस मूवमेंट में ऐसे डिवोटीज पर अत्याचार हुए हैं, शुरू से हुए, हर युग में हुए, अभी भी होंगे। और किसी को पर जो कर रहा है उसको बुरा लगेगा, जो कर रहा है बुरा डिवोटी उसको तो बेवकूफ़ कर लो, उसको तो पता होता है बात को, बोल रहे हैं आम आदमी, राक्षसों को थोड़ी, असुरों को थोड़ी पता कि वो सोचते हैं अच्छे कर रहे हैं, रावण को थोड़ी पता लगा, रावण सोच रहा मैं सही कर रहा हूँ, सीता तो इतनी सुंदर है मेरी, शीज फॉर मी,
असल तो ये सोचता ना कि हर चीज मेरे भोगने के लिए है, असल तो सोचता ही नहीं कि दूसरे के लिए भी है, तो भक्त सोचता है जिसका जितना हिस्सा है वो निश्चित है। ठीक है, तो और किसी और प्रश्न है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित समवेत भक्तवृंद की जय, हरि बोल हरि के मन जय हरे कृष्णा। तो जो भक्त वृंदावन जाने में इंटरेस्टेड हैं वो रजिस्टर कराएं, एडवांस दे दें, और नहीं तो बस निकल जाएगी। तो ये जो आपके ब्रदर सिस्टर थे रहे थे जी, ब्रदर सिस्टर का कह रहे थे ना आप? हाँ मैं अभी शाम को बता दूंगा, शाम को बता देना सर। विष्णु जी आप ही चल रहे तो कब करोगे कंफर्म? प्रभु जी हरि बोल, लिखे प्रभु जी जैसे बैठ कर इसको रखो बेटा, बताइए बात अगले महीने तो पेपर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।